सर्दी है? हाँ। सरदर्द भी? हाँ। और खांसी भी? अरे हाँ भाई हाँ। तो स्वागत है आपका फार्मा ओरिजिन पे। दोस्तों ये सर्दी जुकाम बड़ा इरिटेटिंग होता है, बेइज्जती करवा देता है। कभी कभी तो खाते पीते सोते बैठते सुर सुर खुजलाते रहो, नाक पोछते रहो, गजब बेइज्जती, मतलब क्या ही बताएं। सर दर्द होने लगता है, स्किन पे रेशे या लालिमा पड़ने लगते हैं, रेडनेस आ जाती है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर्दी जुकाम रेडनेस और लालिमा सारे बीमारियों का परमानेंट सॉल्यूशन। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फार्म और जी। तो चलिए बात करते हैं पहली मेडिसिन की। अगर आपको नॉर्मल से सर्दी जुकाम है, नाक से पानी बह रहा है, तो नॉर्मल से कंडीशन में आप लेवोसेट्रिजिन आप ले सकते हैं 5 mg पर। लेवोसेट्रिजिन एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है, जिसे हम एंटी एलर्जिक भी कहते हैं। हमारे बॉडी में कुछ हिस्टामिन निकलते हैं, रिसेप्टर होते हैं, उनको ये ब्लॉक कर देता है। यह हिस्टामिन होता ही ऐसी चीज़ है जो सर्दी जुकाम को बढ़ावा देता है, लेकिन जब यह दवाई अंदर जाती है तो उसको ये ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से हमारी जुकाम और सर्दियाँ ठीक हो जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब भी आपको एलर्जी होती है तो नाक बहना, छींक आना, स्किन पे चकत्ते जैसा आना, नाक जाम हो जाना, आँख से पानी निकलना, खुजली जैसा पानी पानी होना, सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, इन सब के लिए ये लेवोसेट्रिजिन बेस्ट ऑप्शन है। अगर लेवोसेट्रिजिन नहीं मिलती है, अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी दवा आती है क्लोरफेनारामाइन, शॉर्ट में इसे हम CPM भी कहते हैं। लेवोसेट्रिजिन अगर ना हो तो CPM से भी काम चला सकते हैं। ये भी एंटी एलर्जिक होती है, एंटी हिस्टामिनिक है, ये भी हिस्टामिन को ही ब्लॉक करता है। डोज की बात करें तो 2 mg से 4 mg पर डे ले सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में आपको ड्रॉसीनेस, थोड़ी सुस्ती महसूस हो सकती है और वॉमिटिंग का अनुभव होगा। तीसरी जो दवा है वो लेवोसेट्रिजिन से थोड़ी हार्ड है, ये थोड़ा उच्च स्तर की दवा है। अगर आपको ज़्यादा परेशान हो आप सर्दी जुकाम से, एकदम से नाक जाम है, सांस नहीं ली जा रही, तो आपको फैक्सोफेनाडाइन आती है, ये भी एंटी एलर्जिक है। 120 से 160 mg तक के दे सकते हैं दिन में एक बार। फैक्सोफेनाडाइन थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करता है एज ए कंपेयर ऑफ क्लोरफेनारामाइन या लेवोसेट्रिजिन। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आप सर्दी जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान है, सीवियर सिम्टम अगर आपके अंदर है, तो चौथी नंबर पे आती है फेनारामाइन माइलेट। ये भी सर्दी जुकाम की असरदार दवा है। ये H1 रिसेप्टर पे कार्य करता है, हिस्टामिनिक ब्लॉकर ये भी है, एलर्जी कम हो जाएगी इससे। इसका ब्रांड नेम एविल के रूप में आता है, मार्केट में एविल के नाम से मिल जाएगा। अगर ये भी फेल हो जाता है, ये भी आपके बॉडी को सूट नहीं करता, असर नहीं करता, तो पांचवी नंबर पे आती है मोंटेल्यूकास सोडियम। कई लोगों को सांस फूलने लगती है, सर्दी जुकाम होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा की समस्या हो जाती है, तो इनमें मोंटेल्यूकास सोडियम बहुत अच्छा कार्य करता है। ये बेसिकली लिकोट्राइन्स रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है। लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, इतना मान लो कि लंग्स के अंदर बहुत अच्छा कार्य करता है। वैसे नॉर्मल कंडीशन में सर्दी बुखार जुकाम पानी नाक से बहना, इन सब के लिए चेस्टन कोल्ड बेस्ट ऑप्शन है, आप इसे भी ले सकते हैं, अच्छा असर करता है। मज़ा आया। तो ये रही कुछ जानकारी सर्दी जुकाम की बेस्ट मेडिसिन। अगर आप यूज करते हो तो गारंटी है ठीक हो जाओगे। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। सो थैंक यू सो मच।